हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड द बुक्स इम्पोर्टेंट फॉर सी टेट एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि आपका सी टेट एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है और आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है अपनी सी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सी पेपर वन निकल चुका है और सी पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सी की जो सिलेबस होता है वो अदर जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं अदर टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सी के तैयारी करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ सी के सिलेबस पर ही फोकस करना है इधर उधर का सिलेबस नहीं उठाना है तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि सी की के, के लिए हम क्या स्ट्रेटजी प्लान करें और कौन कौन सी बुक्स को हम रिफ़र करें तो देखिए सी में जैसा कि आपको पता है कि दो पेपर होंगे आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट जो होगा वो प्राइमरी वालों के लिए होता है और पेपर सेकंड जो होता है वो आपका जूनियर के लिए होता है ठीक है तो पता है आपको कि जो वैकेंसी हैं आपकी अब आने वाली हैं आपके यूपी में जूनियर की वैकेंसी जल्दी आने वाली हैं लगभग चार हज़ार के करीब वैकेंसी हैं तो पेपर सेकंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है जितना पहले पेपर फर्स्ट हुआ करता था पेपर पहले लोग क्या किया करते थे पेपर सेकंड बहुत कम दिया करते थे क्यों क्योंकि उसका यूज़ ही कहीं नहीं हम कर पाते थे वैकेंसी जूनियर में आती नहीं थी और हमें ये लगता था कि यार ये हम जो पेपर दे रहे हैं पेपर सेकंड वो हमारा वेस्ट है वेस्ट ऑफ टाइम है लेकिन अब मैं आपको बता दूँ अब राइट समय आ गया है पेपर सेकेंड को उतना ही इम्पोर्टेंस देने का क्योंकि आपकी यूपी में जल्द ही वैकेंसी जारी होने वाली हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी सी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपके पास सी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉर प्राइमरी सबसे पहले मैं प्राइमरी के बारे में बात करूं प्राइमरी के लिए बात करूँ तो प्राइमरी के लिए सबसे पहला जो आपका पेपर होता है वो होता है बाल विकास या इसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी कह देते हैं ठीक है सी हम कह देते हैं इसको ठीक है ये आपका थर्टी मार्क्स का होता है पांच पेपर होते हैं जिसमें पहला पेपर बाल विकास जो थर्टी मार्क्स का होता है इसमें हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सी के लिए आपकी एक बुक आती है बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है और वो सबसे बेस्ट बुक है आपके बाल विकास के लिए वो आपकी आती है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान बाई अरुण कुमार बाई अरुण कुमार ये सबसे बेस्ट बुक है अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो सबसे बेस्ट बुक है इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है यह मान के चलिए सबसे बेस्ट बुक है सारा सारी चीज एक एक चीज इसमें इसके द्वारा आपकी हर एक चीज कवर हो जाएगी कोई भी चीज नहीं छूटेगी ठीक है मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूं किस तरीके से है देखिए मेरे पास आ, ये जो बुक थी वो थोड़ी सी मोटी थी ठीक है मोटी बुक थी तो मैंने क्या किया इसको दो पार्ट में करवा लिया है आ, मैंने अपने अकॉर्डिंग जिससे कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो ठीक है तो मैंने इसको दो पार्ट में करवा लिया और यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो पेज कवर है वो इस तरीके से है ये देखिए शिक्षा मनोविज्ञान बाई अरुण कुमार ठीक है अरुण कुमार सिंह शिक्षा मनोविज्ञान बाई अरुण कुमार सिंह इस तरीके से छोटी सी बुक है ये लेकिन थोड़ी सी मोटी है तो ये आप खरीद सकते हो ठीक है भारती भवन पब्लिकेशंस की बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है ये ठीक है तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको कोई बुक लेनी है तो आप ये वाली बुक ले लीजिए ये आपकी है शैक्षिक मनोविज्ञान बाई एस पी सरोहा पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी बुक है मतलब ये दो बुक अगर आप ले लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो इसमें कवर नहीं होती वो आपकी ये वाली बुक कवर कर देगी ठीक है क्योंकि ये वाली जो बुक है शैक्षिक मनोविज्ञान वाली ये आपकी पूर्णतया एन सी आर टी सिलेबस पर बेस्ड है एन सी आर टी सिलेबस होता है आपका उस पर हर एक टॉपिक इसमें दे रखा है सारी चीज़ें इसमें दे रखी देखो इसमें जो है लगभग 27 चैप्टर इसमें दे रखे हैं 27 चैप्टर दे रखे हैं और जो आपकी एन सी आर टी ना उसका समराइजेशन इसमें दे रखा है ठीक है तो ये भी बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं देखो ये बुक मैंने इसके साथ में ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ लोगे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन आप इस बुक में जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसके पीछे आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ठीक है क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं अच्छी बात तो यह है इस बुक की ये आपको चैप्टर दे दिया फिर यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे ठीक है हर एक चैप्टर के पीछे लगभग पचास से साठ क्वेश्चन दे रखे होते हैं ठीक है तो ये बहुत अच्छी बुक है तो ये आप ले लीजिए इसके साथ में एक बुक छोटी सी आपको और मिलती है इसी के साथ मिलती है वो अलग से लेनी है आपको इसी के साथ मिलेगी उसमें आपके शैक्षिक जो आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान होती है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं तो ये बुक बहुत बेस्ट है ये दोनों बुक आप ले लीजिए किसके लिए आपके सीडीपी के लिए ठीक है और अगर आप शैक्षिक ये वाली नहीं भी पढ़ पाते हो ना तो आप इसको जरूर कवर कर लेना ये इससे आपका सी जरूर कवर हो जाएगा और आपको अगर यू पी और डी ट्रिपल एस वगैरह और भी अच्छे से एग्जाम देने हैं के वगैरह देना है तो आपको ये बुक तो पढ़नी पड़ेगी शिक्षा मनोविज्ञान बाई अरुण कुमार ठीक है ये बात हो गई हमारी किसकी ये बात हमारी होगी बाल विकास की इसके अलावा इसके अलावा आप क्या करोगे इसके अलावा आप 2011 से लेकर के 2019 तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो वो आप जितने भी पेपर हुए हैं उनकी बाल विकास ज़रूर लगा लोगे बाल विकास का जो पेपर है उनका जरूर लगाओगे साथ साथ में इसके ठीक है इससे होगा क्या इससे आपको ये पता पड़ेगा कि सी का पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का सी किन किन चीज़ों पर आधारित प्रश्न पूछता है और आप उन प्रश्नों को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा ठीक है क्योंकि देखो जो, जो सी का पैटर्न होता है सी का उसमें लगभग पंद्रह सोलह क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं मतलब आप अपने दिमाग से आप उनको कर सकते हो बाकी जो पंद्रह क्वेश्चन होंगे वो आपके कुछ जो आपका सिलेबस है जो आपकी बुक्स में से आता है जैसे मान लीजिए वायु गोषकी से क्वेश्चन बना दिया उन्होंने सामाजिक विकास सिद्धांत का इसके अलावा हम देखें अगर सीडीपी में तो आपका स्टर्न वर्ग के बुद्धि के सिद्धांत से बना दिया हॉवर्ड गार्डनर से बहुत ज़्यादा पूछ लेता है प्याजें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो इन सिद्धांतों से भी प्रश्न वो बना देता है वृद्धि और विकास से भी प्रश्न बन जाता है समाज शिक्षा से प्रश्न बन जाता है प्रगतिशील शिक्षा से प्रश्न बन जाता है तो ये सब चीज़ें आपको इस बुक में सारी मिल जाएंगी तो वो ये भी पढ़ना जरूरी है बाकी जो पंद्रह नंबर होते हैं ना अगर आप बिना पढ़े भी चले गए ना तो सी डी पी में मैं ये गारंटी लेकर देता हूँ कि आप पंद्रह नंबर तो बिना पढ़े ले आते हो क्यों क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप एक शिक्षक की तरह सोच रहे हो तो आप पंद्रह नंबर तो आराम से उसमें ले आओगे अपनी पेडोलॉजी में ठीक है अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है पर्यावरण और पर्यावरण में ये भी आपको पता है कि ये जो आपका थर्टी मार्क्स का आता है ये भी आपका थर्टी मार्क्स का आता है तो इसको आप आपने कैसे करना है देखो पर्यावरण के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके जो पंद्रह क्वेश्चन आते हैं फिफ्टीन जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पैडागोजी के आएंगे क्वेश्चन पैडागोजी के आएंगे और जो आपके फिफ्टीन क्वेश्चन आएंगे वो आपके आ जाते हैं किससे आपका जो बुक्स होती हैं कक्षा तीन चार पांच की एन की बुक होगी एन की बुक है आस पास नाम से एक बुक आती है आस पास नाम से एक बुक आती है जिसको हम पर्यावरण की बुक भी मान सकते हैं तो तीन चार पांच की एनसीआर की बुक है आस पास इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं लुकिंग अराउंड जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लुकिंग अराउंड समझ लीजिए तो तीन चार पांच की जो बुक है उस बुक में आप चैप्टर जब पढ़ोगे मुख्य रूप से आप कक्षा चार और पांच की बुक मानिए तीन में भी कुछ चैप्टर हैं ऐसे ठीक है तो आप क्या करोगे इस बुक को जब उठाओगे और इन बुक के चैप्टर्स को जब पढ़ोगे तो इन बुक के चैप्टर्स में बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए होते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करना है अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने हाथ से नोट करते हुए चले जाना है आप करते क्या हो दूसरों से नोट्स मांगते रहते हो कि सर हमें नोट्स दे दो कि कोई भी मतलब फेसबुक पे इतना ज्यादा नोट्स के लिए आता है नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा नो, नोटिफिकेशन आते हैं नोट्स के लिए मैं ग्रुप में देखता रहता हूँ फेसबुक में इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं तो बहुत लोग बस नोट्स के लिए परेशान रहते हैं भाई नोट्स के लिए आप ये बताओ और नोट्स भी क्या होते हैं वो पूरी किताबें होती हैं लोग छाप देते हैं नोट्स नोट्स में और को आप पढ़ते फिर रहे हो नोट्स का मतलब क्या होता है नोट्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो उसको आप संक्षिप्तिकरण कर दो किसकी भाषा में दूसरे की भाषा में नहीं अपनी भाषा में जिससे कि जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए वो चीज समझ रहे इस बात को मतलब नोट्स वही होते हैं जिसका अच्छे नोट्स वही होंगे जो आपको ही समझ में आएंगे आपके नोट्स आपको ही समझ में आएंगे दूसरे को समझ में नहीं आएंगे ये अच्छे नोट्स की निशानी होती है ये चीज हमेशा ध्यान रखिए और जो नोट्स आप जो मांगते हो ना वो किताबें होती हैं वो लोग किताबें डायरेक्टली छाप देते हैं ठीक है मेरी बात समझ गए तो सबसे बेटर ये होता है कि आप खुद से नोट्स बनाएं भाई आप बिना मेहनत के सोच रहे हो कि पास हो जाओ सीटेट या कोई भी एग्जाम पास कर लो तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दूसरे की जो मेहनत है दूसरे के जो नोट्स हैं आप उनको पढ़ के पास हो जाओ ठीक है तो दूसरे के नोट्सों को पढ़ के आप पास हो सकते हो पास तो हो सकते हो नब्बे पचानवे सौ नंबर ले आओगे लेकिन आप ये कहो कि अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ तो वो पॉसिबल आपके लिए नहीं है और भी फिर आप सीटेट दोगे इसके आगे आपको और भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जैसे सुपर टेट हो गया उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय हो गया परीक्षा और एनबीएस की परीक्षा हो गई फिर आप उसमें अटकोगे उसमें फिर नोट्स मांगते हुए फिर हो गए तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नोट्स हमेशा खुद के बनाओ वो आपके हमेशा काम आएंगे अगर आप पेपर से दो दिन पहले उठा के पढ़ लोगे ना तो आपको आराम से सब चीज लर्न हो जाएगी ठीक है तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखो और दूसरी बात एक और है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक लिस्ट बनी हुई है ईवीएस फॉर सी के नाम से ठीक है ईवीएस फॉर सी के नाम से मेरी चैनल पे लिस्ट बनी हुई है आप उन वीडियो में मैंने क्या किया उन वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है उनको हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उन वीडियोस को देखकर भी आपके पास अगर तीन चार पाँच की बुक नहीं है तो उसको मत लो कोई दिक्कत नहीं है उन वीडियोस को देखकर भी आप क्या करोगे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो खुद क्योंकि आप उनको जब देखोगे तो कॉपी पेन लेकर के बैठना जो भी मैंने हाईलाइट किया उसको लिखते जाना ठीक है उससे हो, होगा क्या उससे आपका ये भी होगा कि आपका लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद भी रहेगा और हो सकता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया हो तो भी आपके सामने क्योंकि मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक को ही एक्सप्लेन किया है अपने खुद से नोट्स नहीं बनाए हैं डायरेक्टली एनसीआर बुक को ही मैंने एक्सप्लेन किया है तो उसमें आप जो भी संशोधन करना चाहो तो संशोधन आप कर भी सकते हो कि आप सोचो कि सर ये पॉइंट छूट आपको लगता है कि ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें ऐड कर लेना ठीक है तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर EVS फॉर सीटेड नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है आप चाह करके उसमें देख सकते हो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी अब हम आगे बढ़ते हैं ये तो हो गया किसके लिए ये आपका हो गया एन्वायरमेंट के लिए और इसके अलावा एनवायरमेंट में कुछ चीज़ें और जैसे पैडागॉजी के लिए आप क्या करोगे पैडागॉजी के लिए तो यही है कि आप जो है मैंने बताया कि 2011 से 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर की पेपर्स की पैडागॉजी आई है आप उन सबको लगा डालो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको ना समझ में आ जाएगा कि बेसिकली सी पूछता क्या है उसका पैटर्न क्या होता है आप जब ऑप्शनस को खुद से करोगे खुद से पढ़ के करोगे ना तो आपके अंदर वो थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि हमें answer, अपना ऑप्शन कौन सा चूज करना है ठीक है तो 2011 से 2019 तक का एक चीज ध्यान रखना आप अगर प्रैक्टिस पेपर ले रहे हो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर ले रहे हो तो आप अरियंत के ले लेना किसके ले लोगे आप, आप अरियंत के ले लोगे अरियंत के प्रीवियस ईयर पेपर ले लोगे ठीक है अरियंत पब्लिकेशन के सर अरियंत पब्लिकेशन के क्यों आप कह रहे हो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा इसमें गलतियाँ जो होती हैं बहुत कम होती है गलतियाँ मतलब बहुत कम होंगी ना के बराबर होंगी गलतियाँ बहुत कम होती हैं इसमें और एक चीज़ और ध्यान रखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने अरियंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर ले लिया प्रीवियस ईयर पेपर ले लिया फिर वो क्या करते हैं जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर ले लिया अब उसमें आपका दिया होगा यू पी का भी ठीक है यू पी भी दिया होगा सी टैट भी दिया होगा फिर उसमें पी टेट भी दिया होगा फिर आर टेट भी दिया होगा ठीक है ऐसे बहुत सारे टेट होते हैं एसपी टेट भी दिया होगा तो वो क्या करते हैं एक तरफ से सॉल्व करना चालू कर देते हैं तैयारी किसकी कर रहे हैं सी टेट की पढ़ क्या रहे हैं यूपी टैट पढ़ रहे हैं पी टेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं आर टेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं भाई ये कुछ काम का है ही नहीं आपका तो आप क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आपका जो पेपर है पीडीएस पेपर आएंगे अरिहंत वालों ने उसमें और भी पेपर डाल दिए हैं तो अच्छी बात है आपके लिए कभी आप यूपी टैट दोगे तो आप उनको सॉल्व कर लेना लेकिन फिलहाल अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर अरियंत वालों ने बुक बना दी अपने प्रीवियस पेपर डाल दिए सी के साथ और भी पेपर डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी किताब आपको पढ़नी है आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ो सिर्फ और सिर्फ आपको सी पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ सी पढ़ना है इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आप जो है तैयारी कर रहे हो सी की केवल सी के पेपर उठाओ और लगा डालो बाकी सब स्किप करो छोड़ दो इन सब चीजों को छोड़ो केवल सिर्फ और सिर्फ सी टेट लगाना है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई आपको ठीक है एनवायरमेंट मैंने बता दिया क्या पढ़ना है आपको अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं हिंदी के लिए ठीक है देखेंगे हिंदी के क्या है हिंदी के लिए अब देखो बात यह आती है हिंदी में हमें सी के लिए क्या क्या पढ़ना है केवल ध्यान रखना यह वीडियो स्पेशली फॉर सी वालों के लिए है तो सी में जो हिंदी आती है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है पैटर्न क्यों कैसे अलग मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब यह हुआ कि सी में जो व्याकरण आती है वो आपकी ना के बराबर आती है सी में आता क्या क्या है सी टेट में आपका जो फिफ्टीन मार्क्स का आएगा सी टेट में फिफ्टीन मार्क्स का जो आता है वो आपकी पैराग्राफ आ जाती है ठीक है इसके अलावा जो फिफ्टीन मार्क्स का आता है सर पैडागोजी आ जाती है ठीक है 15 मार्क्स की पैडागोजी आ जाती है 15 मार्क्स के आपके पैराग्राफ आ जाते हैं दो पैराग्राफ इतने आसान आते हैं कि आप क्या करोगे अगर आपने पैराग्राफ और क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लिया पैराग्राफ को सॉल्व करने की तकनीक ये होती है कि आप सबसे पहले जो उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको पढ़ो उसके बाद जा करके पैराग्राफ को पढ़ो ठीक है ऐसा नहीं है कि पेपर आपने हिंदी का खोला पैराग्राफ पढ़ने लग गए पैराग्राफ सॉल्व करते समय आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपके उसने जो क्वेश्चंस बनाए हैं पैराग्राफ से वो पूछे क्या है आखिरकार जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लोगे एक बार सही से तो आपके माइंड में ये रहेगा पढ़ते टाइम कि यार ये क्वेश्चन इसने पूछा है तो आप वही उसी लाइन को क्या कर लोगे अंडरलाइन कर लोगे ठीक है उसी को क्या कर लोगे आप अंडरलाइन कर लोगे जिससे कि आपके आंसर्स भी पढ़ते समय साथ साथ निकलते जाएंगे बहुत ही आसान पैराग्राफ होता है पैराग्राफ में क्या आ जाता है आपके देखो कभी कभी तो हो सकता है आपके बल्योम शब्द पूछ लेता है कभी कभी आपके पर्यावाची पूछ लेता है पर्यावाची पूछेगा किससे आपके पूछेगा पैराग्राफ सही वो सब पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा बहुत आसान होता है मुहावरे पूछ लेता है ठीक है इस चीज ऐसे ऐसे पूछता है जो आपके पैराग्राफ में मिल ही जाएगा आपको हंड्रेड परसेंट ठीक है ऐसे पूछता है अगर आपको और ज्यादा जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए आप सोचो सर हिंदी हमें पढ़नी है और तो हिंदी में आपको पढ़ना क्या है हिंदी में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपका मुहावरे विलोम शब्द और पर्यावाची शब्द ये तीन चीजें पढ़नी है किसके लिए सी टेट के लिए और उसके लिए ये वाली जो बुक है सामान्य हिंदी की सामान्य हिंदी की बुक है ये है आदित्य पब्लिकेशन की आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज का पब्लिकेशन है बहुत ही अच्छी बुक है बहुत ही बढ़िया बुक है और इस बुक में से आप सी की तैयारी कर रहे हो तो देखो आप पूरी किताब तो पढ़ने अगर बैठ गए सोचो कि पूरी किताब से आ जाए तो पूरी किताब में तो ये आपके काम आएगी ना सी टेट में तो काम आएगी नहीं हालाँकि पढ़नी चाहिए इस पूरी किताब को पढ़ना चाहिए ये आपके अदर एग्जाम्स में काम आती है लेकिन आप स्पेशली सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे इसका पूरा पढ़ने के लिए आप क्या करोगे इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो आपके पर्यावाची हैं आपके जो मुहावरे हैं और आपके विलोम शब्द हैं वो चैप्टर उठा करके पढ़ देना आपका काम हो जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है ये तो बात हो गई आपकी पैराग्राफ के बारे में पंद्रह में से पंद्रह नंबर आएंगे आपके पैराग्राफ में ठीक है अगला देखो पैडागॉजी पैडागॉजी में क्या होता है पैडागॉजी में आपकी जो मोस्टली जो पैडागॉजी होती है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप दो से लेकर के दो तक के अगर आप पेपर्स लगा लोगे तो क्वेश्चंस क्या है उसमें आपके रिपीट हुए हैं ठीक है तो रिपीट हुए हैं तो यहां पर आपको क्या करना है वो पेपर लगा लोगे इसके अलावा इसके अलावा कुछ सिद्धांत आपके आते हैं जैसे चौमस्की चौमस्की की भाषा का सिद्धांत इसमें पूछा जाता है और इसके अलावा वायु गोस्की के भाषा का सिद्धांत पूछा जाता है चौमस्की और वायु इन दोनों का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं आप जाकर के देख सकते हो इसके अलावा इसमें उत्पादन कौशल उत्पादक कौशल क्या होते हैं ठीक है, है? अभिग्रहण कौशल क्या होते हैं ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है इन सभी का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है आप सी टेट हिंदी नाम से एक प्ले बनी होगी आप उसमें जा कर के देख लेना और ठीक है इसके अलावा आपकी जो ये बुक है ये वाली बुक है इसमें भी आपको चौमसकी और की भाषा का सिद्धांत मिल जाएगा ठीक है अगर ये बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हो सीटेट हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है चौमस की और बाय को मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो आपका आता है इसके बाद आपका आता है संस्कृत या हम अंग्रेजी इन दोनों में से कोई आप एक लोगे ठीक है इन दोनों में से कोई एक लेते हो ठीक है तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले मैं बता रहा हूं संस्कृत के लिए संस्कृत के लिए वही चीज हिंदी वाली होती है पंद्रह मार्क्स की आपके पैराग्राफ आ जाते हैं और पंद्रह मार्क्स की आपकी पैडागोजी आ जाती है ठीक है पंद्रह मार्क्स के पैराग्राफ पंद्रह मार्क्स की पैराग्रॉची आती है पंद्रह मार्क्स के जो पैराग्राफ है वो आपके दो पैराग्राफ आते हैं बहुत ही आसान होते हैं उसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको बस केवल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है क्वेश्चन में जो भी आपके वर्ड हैं वही वर्ड उठा करके आपको पैराग्राफ में देख लेना है कि वो वर्ड कहाँ मिलेगा आपको वो वर्ड जहाँ मिलेगा उसी के आसपास आपका ऑप्शन आंसर होगा उस आंसर को देख करके आप अपने ऑप्शन में देख लेना कि कौन सा आंसर हमेशा इसमें मैच हो रहा है ठीक है ये पैराग्राफ का मैंने एक संस्कृत का वीडियो बनाया है संस्कृत का एक वीडियो मैंने बना दिया है कैसे हम संस्कृत का कैसे अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ना तो आप कहोगे कि सर संस्कृत ही लूंगा मैं मैं संस्कृत ही लूंगा क्योंकि संस्कृत जो है बहुत ही आसान है इस वीडियो को आप देख लेना पंद्रह नंबर का पैराग्राफ आता उसको पैराग्राफ को सॉल्व करने की टेक्निक मैंने बताई है

फर्क क्या है फर्क यह होता है कि संस्कृत की पैडागॉजी आती है संस्कृत लैंग्वेज में संस्कृत में जो पैडागॉजी लिखी होती है हिंदी में पैडागॉजी हिंदी में लिखी होती है आप उसको पढ़ सकते हो हिंदी में उसका अर्थ समझ सकते हो संस्कृत की पैडागॉजी संस्कृत में होती है कभी कभी आपको संस्कृत की पैडागॉजी को समझने में कठिनाई हो जाती है क्योंकि आप क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पाते हो तो मैंने उसके लिए एक तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे कोई प्रश्न संस्कृत का दिया हुआ है पैडागॉजी का तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत की पैडागोजी का प्रश्न दिया हो और उस पैडागोजी के जो का प्रश्न है उसका एक भी शब्द आपको समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता कुछ ना कुछ शब्द ऐसे जरूर होंगे जो आपको समझ में आएंगे हंड्रेड परसेंट समझ में आएंगे मैं ये बता रहा हूं तो आप उन शब्दों को जोड़िए उन शब्दों को जोड़ करके थोड़ा बहुत अर्थ निकालने की कोशिश करिए और अर्थ निकलेगा बिल्कुल देखो हमें प्रकांड पंडित तो बनना नहीं है संस्कृत को पढ़कर के व्याकरण जाननी नहीं है हमें अपना काम निकालना है और अच्छे से काम निकालना है तो आप उसका अर्थ जोड़ करके आप आराम से क्वेश्चन का अर्थ निकाल सकते हो और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो दूसरी चीज क्या है कि सी संस्कृत की जो पैडागॉजी होती है उसकी खास बात यह होती है कि कुछ ऑप्शन इंग्लिश में दे दिए होते हैं तो उस इंग्लिश वर्ड की आप हेल्प लेकर के भी उनके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हो ठीक है इसके अलावा मैंने सी टेट संस्कृत की, की पैडागॉजी पे एक वीडियो बना दिया है कि सी टेट संस्कृत की पैडागॉजी को कैसे सॉल्व करें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जाकर के जरूर देखिएगा आपको मजा आ जाएगा कि कहोगे सर हाँ संस्कृत वास्तव में ही आसान है ठीक है ये मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है सी टेट संस्कृत नाम से प्ले लिस्ट बनी होगी इतनी बात हमने कर ली किसकी संस्कृत की ठीक है अब हम बात कर लें कि सर इंग्लिश में क्या आता है ठीक है इंग्लिश की कहाँ से तैयारी करें जो लोग ने इंग्लिश लिया है उनकी तैयारी कहाँ से हो तो मैं आपको बता दूं ग्रामर तो आपको पढ़नी नहीं है इसमें ठीक है तो सी सी इंग्लिश के लिए एक पियर्सन पब्लिकेशन की पब्लिकेशन पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक आती है ठीक है पियर्सन पब्लिकेशन की इंग्लिश की एक बुक आती है इंग्लिश फॉर सी ठीक है बहुत अच्छी बुक है आप इसको पढ़ लो इस बुक को पढ़ लो बस इंग्लिश वाले इस बुक को पढ़ लोगे आराम से आपका जो है मटेरियल इस बुक में सारा मटेरियल मिल जाएगा बहुत अच्छी पैडागॉजी भी इसकी सारी इसमें मिल जाएगी ठीक है और बाकी तो मैंने बताया ही है कि आप 2011 से लेकर के 2019 तक के पेपर सारे लगा के जाएं ये तो आपका रामबाड़ है ठीक है ये हो गई आपकी इंग्लिश की बात अब एक लास्ट और रह गया है लास्ट आपका है मैथमेटिक्स ठीक है लास्ट आपका मैथ्स और रह गया है मैथ्स की तैयारी कैसे करें तो देखो मैथ्स के लिए आपको मैं आपको एक बताऊं चीज कि आपके जो 2011 से लेकर के 2019 तक के पेपर्स हैं 2011 से लेकर के 2019 तक के पेपर्स हैं उसमें जो मैथ्स आई है उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो कहीं भी किसी भी चीज की किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी समझ गए मेरी बात को बहुत से लोग क्या होते हैं भाई ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी के लिए ठीक है प्राइमरी की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है अभी मैं जूनियर की बात करूंगा ठीक है तो यहाँ पर जो है आपकी 2011 से 2019 तक के पेपर्स लगा लो ठीक है इसके अलावा इसके अलावा अगर आप इन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है पेपर लगाते समय आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने सी टेट मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे और आप उन वीडियो को देख लोगे तो मैं हंड्रेड परसेंट ये कह सकता हूं अगर आपका एक भी नंबर कट जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा Maths की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे उसमें मैंने सारे वीडियो सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए एक एक वीडियो मैंने अलग अलग बनाया है ठीक है अलग अलग कंसेप्ट का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा और लगभग पंद्रह वीडियो उसमें है और इसके अलावा हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने की तो उसमें मैं तीन पेपर सॉल्व करा चुका हूं 2000 जुलाई 2019 का इसके अलावा आपका दिसंबर 2018 का इसके अलावा आपका सितंबर 2016 का मैं पेपर यहां पर पे सॉल्व करा चुका हूं तो तीन पेपर मैं इसमें करा चुका हूं। और भी पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो इन इन पेपर्स को जब सॉल्व करोगे तो इन वीडियो को आप देख सकते हो आपको कौन से सव, सवाल में प्रॉब्लम आएगी आप आपका सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये चीज हो गई आपकी मैथमेटिक्स के बारे में फॉर प्राइमरी ठीक है तो ये था प्राइमरी का जो सिलेबस था और क्या स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है और इसकी पैडागोजी के बारे में बात करें मैथमेटिक्स की पैडागोजी जो इसमें आती है पंद्रह नंबर की उसके लिए बस यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं पैडागोजी के और इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है बहुत से लोग क्या होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं बहुत से लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं पता नहीं कहाँ से कौन से YouTube चैनल ने ये कह दिया कि सी के प्राइमरी पेपर में आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है अनुपात समानुपात आता है लाभ हानि पढ़ा रहे हैं बताओ प्राइमरी पेपर्स के लिए भाई ये चीज़ गलत है ये चीज़ आपकी गलत है ये जब वो चीज़ आपके पेपर में आ ही नहीं रही है आप उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बहुत आसान चीज़ें आती हैं आपके सी टेट मैथमेटिक्स के पेपर में अगर आपको मैं बता रहा हूँ जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना लाशा मासा ठीक है आयतन और क्षेत्रफल ये चीजें अगर आपको पता है ये चीजें अगर आपको आती हैं आयतन क्षेत्रफल गुणा भाग जोड़ना घटाना लाशा मासा तो मैं ये कह सकता हूं कोई भी आपको सी टेट की मैथ्स को सॉल्व करने से नहीं रोक सकता आप पंद्रह में से पंद्रह क्वेश्चन कर ले जाओगे समझ तो मतलब रहे मेरी बात को ठीक है तो लाभ हानि और आपका चक्रवृद्धि ब्याज ये सब चीजें पढ़ोगे तो आप ये भी नहीं कर पाओगे तो बेहतर यह है कि आपके अपने एग्जाम के हिसाब से जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो भी आपके लिए यूजफुल है वो आप पढ़िए और उससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप हंड्रेड रूप से परीक्षा पास करोगे ये मेरा आपसे वादा है और सी टेट का जब एग्जाम आपका होगा उससे मैं चार पाँच दिन पहले कुछ वीडियोस आपको बनाऊंगा कि आप पेपर में प्रश्न को कैसे हल करें और ओ एम आर सीट को कैसे फिलअप करें क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओ एम आर नहीं भर पाते हैं और ओ एम आर सीट को गलत भर देते हैं तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कल हम बात करेंगे आज हमने बात करी है फॉर प्राइमरी पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में कल हम बात करेंगे सीटेड पेपर सेकेंड के बारे में तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू अ नाइस डे